हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूरीन। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू करने वाली हूँ। जो प्रोडक्ट है वो है स्विस ब्यूटी का कंसीलर। ये जो कंसीलर है ये फुल कवरेज कंसीलर है, सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है, बिल्कुल बजट में आपके होता है एंड इसकी कवरेज बहुत ज्यादा हाई है। अगर आपने मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स में देखा होगा तो मैं इस कंसीलर को जब यूज करती हूँ तो आपने देखा होगा कि इसकी कवरेज कितनी ज्यादा हाई है। पैकेजिंग इसकी कुछ इस तरीके की है, बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है। सबसे अच्छी बात मुझे लगती है इतने अफोर्डेबल प्राइस में हमें जो है ग्लास बॉटल मिलती है, जो कि हमें इजिली मिलती नहीं है। 500-600 से का जब कंसीलर हम खरीदते हैं तो हमें ग्लास बॉटल मिलती है। मेरा जो शेड है वो है 02 सैंड सेबल। तो मैं आपको शेड से आइडिया बता देती हूँ कि अगर आपका मेरा वाला स्किन टोन है तो आप 02 सैंड सेबल शेड ले सकते हो। मेरे से भी ऊपर आपका शेड है, मतलब अगर आपका स्किन टोन मेरे से ज़्यादा फेयर है तो आप शेड नंबर 01 ले सकते हो। एंड अगर आपका मेरे से हल्का सा टोन डाउन है तो आप शेड नंबर 03 ले सकते हो। तो आई थिंक इसके अंदर 5 या 6 शेड्स हैं। वेरियंट्स आप देख सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नाइका, इन सब पे ये अवेलेबल है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ईजिली फ्लिपकार्ट पे हमेशा 150-160 रुपीज़ में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसकी ना रेट बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है ना। बिगनर्स जब आप मेकअप स्टार्ट करते हो करना तो अपने टाइम बाद तो फाउंडेशन के बारे में नॉलेज होती है, फिर एक नई प्रॉब्लम आ खड़ी होती है कि यार कंसीलर कौन सा लें। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, अगर आप बिगनर हो एंड अगर आपको कंसीलर के बारे में कोई आइडिया नहीं है एंड अगर आप लेना चाहते हो तो ये वाले कंसीलर में आँख बंद करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मुझे डार्क सर्कल्स हैं बट उतने ज़्यादा नहीं है, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये मेरे ब्लैक स्पॉट है जो स्किन में जैसे तिल वगैरह होते हैं ना उसका निशान है। तो मैं आपको हल्का सा यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने इसको ब्लेंड किया तो आप देख सकते हो वो स्पॉट मुझे तो वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि वो गायब हो चुका है। यहाँ पर मैंने ले लिया ब्यूटी ब्लेंडर, आपके पास नहीं आप फिंगर्स की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। इसको मैंने वेट कर लिया तो अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। आप इसकी आप कवरेज देखना, तो अब आप देख सकते हो मैंने मेरे फेस पे कोई फाउंडेशन नहीं लगाया था, कोई अलग से कंसीलर इससे पहले कुछ नहीं लगाया था, बस डायरेक्ट मैंने ये कंसीलर लगाया है ना। आप डिफरेंस देख सकते हो, कितनी अच्छी कवरेज, इतनी स्मूथ फिनिश है। एंड इस कंसीलर के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की, हल्का सा ना एक शाइन रहता है। आप देख सकते हो मेरी स्किन हल्की सी अंडर आई एरिया के आसपास शाइन कर रही है, बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड आउट होता है, एकदम स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। अब मैं इधर का भी ब्लेंड कर लेती हूँ। नाउ यू कैन सी क्लियरली कि कितना अच्छा जो है एकदम फिनिश आया है इसका। आप देख सकते हो, मतलब यार 150 रुपीज़ में आपको इससे बेटर कंसीलर मुझे नहीं लगता मिल सकता है किसी भी ब्रांड में। एंड स्विस ब्यूटी तो मेरा वैसे भी फेवरेट ब्रांड्स में से एक है। जो ब्लेंडिंग है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब मैं इसको हल्का सा अपने फेस पर भी अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि अब कलर काफ़ी अलग अलग लग रहा है फेस का। अब इसको हम कर लेते हैं ब्लेंड काफी अच्छे से। ओके, तो अब आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो स्किन में बिफोर और आफ्टर। मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था और अब वीडियो की एंडिंग होने वाली है, तो आप मेरी स्किन में कितना डिफरेंस देख रहे हो या आप मुझे खुद ही बता सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो है ना अच्छा कंसीलर, आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करना। बिगनर हो तो किसी भी प्रोडक्ट में आपको एक्स्ट्रा पैसे गवाने की, खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आइडिया लग रहा ना कि यार मेबलिन का लें या इसका लें या उसका लें, आप ये वाला ले लो, आपको फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगा, अमेजोन पर भी मिल जाएगा। मैंने इसको वैसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, 150-160 अराउंड आपको मिल जाएगा, 165 रुपीज़ से ऊपर नहीं मिलेगा। एंड बहुत अफोर्डेबल यार, इस रेट में कंसीलर नहीं मिलते हैं। कंसीलर के जो अच्छे कंसीलर्स के जो प्राइस है ना वो फाउंडेशन से भी ज़्यादा रेट पर जाते हैं। तो अब आप देख लो आपको 150 रुपीज़ में इतना अच्छा कंसीलर मिल रहा है। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, थोड़ा सा भी आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।